निकालने का, अंदर निकाल के इसके ऊपर रख देता हूँ। सामने सर, सामने। वेट सर, वेट वेट सर, वेट। या। वेट 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 यू नो अरमानी इज ऑलवेज बिन क्लासिक, हमेशा एक बहुत ही क्लासिक ब्रांड है एम्पोरियो अरमानी इज बिन ऑलवेज इट रेजोनेट्स विद देयर सूट्स विद देयर यंग फैशन, सो आई एम वेरी हैप्पी आई एम वेयरिंग दिस वेरी कूल जैकेट बाय अरमानी टुनाइट एंड या एक्साइटेड टू बी हियर। नहीं बहुत एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी दैट ऑल दीज ब्रांड्स आर कमिंग टू इंडिया एंड इतने ग्रैंड स्केल पे आ रहे हैं और समर इज ऑल अबाउट मी, यू नो आई लव द समर वाइब, आई लव समर इन जनरल, इट्स ईजी, इट्स ब्रीजी, यू कैन बाय शॉर्ट्स, यू कैन बाय व्हाटएवर यू वांट एंड यू कैन जस्ट स्टेप आउट, सो आई एम एक्साइटेड। या you know my style sense is actually it's very easy for me stepping out of the night, agar main raat ko bahar ja raha hu, I'm the most comfortable wearing you know like slim jeans, ripped black pair of boots, a black pair of t-shirt, probably you know what I, this is what I do, so this is my party mode, so every time I feel like I want to go out and party I just like pull out my chain out, but nahi sir ye jacket mein itna kuch hola na already, main kaha chalo isko muted rakhte hain, बट ये बाद में रात को जब जैकेट उतरेगी तो ये चेन बाहर आ जाएगी, सो आई फील अ लिटिल मोर ड्रेस, सो दैट्स माय वाइब, या दैट्स हाउ इट इज। ओके, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज योर ट्रू फैशन सेंस? व्हाट्स माय ट्रू फैशन सेंस? माय ट्रू फैशन सेंस इज स्ट्रीट मीट्स फॉर्मल, दैट्स हाउ आई एम, आई लव कंबाइनिंग स्ट्रीट वेयर विद हाई फैशन बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन हैव फन, दैट्स हाउ इट लुक्स यंग, इट लुक्स मी एंड दैट्स हाउ आई लाइक टू हैव फन विद इट। थैंक यू सर, थैंक यू, हैव अ गुड वन। Getting hot, everybody saying yaar Bombay mein garmi badh rahi hai, so I think finally it's a good time for us to just break out of that and celebrate color, happiness, holi kal hua, it's a good time to celebrate colors. Kuku pata do chal chuka hai har jagah and second part ka announcement hone wala hai, I am waapas aa raha hu, miss karenge to aap bataiye aapko kitna intezar hai? Mujhe to bahut intezar hai yaar, mujhe to intezar us din se jis din पहला सीजन ड्रॉप हुआ था, बिल्कुल आपकी तरह एवरीबडी वॉज वेटिंग फॉर इट, लाइक द सेकेंड डे
So I remember it released on the 6th of July. And on the 7th of July, everybody was like, when is second season coming? So I think I'm one of those people as well. I'm just like y'all. Okay, apart from this, you're also doing a movie with Ankita Srivastava. Yeah, I'm damn excited about that. So how excited are you? Do you feel the pressure? Because there are many... There is a little pressure. You feel me, brother. You feel me. Yeah, no, there is a lot of pressure because this would be the first time you would see me. You would be seeing me in a role that will actually recognize me as an actor in a film. So yes, there is pressure. So thank you for feeling me. Okay, brother. Okay. Yeah? Thank you, ma'am. Have a pleasure evening, ma'am. Thank you so much, guys. Have a great evening. कौन डम म्यूजिक वो तो नहीं होने वाला ओके रोल या या सो सर आज के बारे में क्या कहना चाहेंगे आज जो न्यू कलेक्शन लॉन्च होने है जी स्प्रिंग 2019 के आरमानी के तो कितने एक्साइटेड आप मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मैं खुद सर से लेके पाओ अरमानी में आया हूँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आज इनके साथ एसोसिएट होने से पहले मेरे सालों का एक सिलसिला चला है अरमानी के साथ बिकॉज बचपन से मैंने अरमानी के कपड़े पहने हैं एक्सेसरीज पहनी हैं तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस लॉन्च टुडे ऑफ द न्यू कलेक्शन ओके सर जैसे कि आपने कहा कि बहुत टाइम से आप एसोसिएट हैं अरमानी के लिए तो अरमानी की एक चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगती है कपड़े की बात आई थिंक वो ट्रेंड्स पे बिलीव नहीं करती हमेशा एज अ ब्रांड दे हैव बीन सोफिस्टिकेटेड एंड क्लासी दे हैव बीन टाइमलेस अगर देखा जाए तो ये नहीं है कि आज ये फैशन में है तो वो उसे कॉपी करते हैं सालों से आप देखें तो एक कंसिस्टेंसी रही है और मैं मानता हूँ कि एक ब्रांड की हिस्ट्री और हेरिटेज में अगर आप जाके देखो तो ये नहीं देखोगे कि आज उन्होंने इनको कॉपी किया या उनको बड़ा देखोगे कि उनकी आइडेंटिटी क्या है तो एक अपनी छाप बनाना इतने सालों से इंटरनेशनली दैट गोज़ टू शो दैट दे हैव एन आइडियोलॉजी दैट दे बीन फॉलोइंग फॉर मेनी इयर्स आई थिंक मेरी बहनों को ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है स्टाइल के लिए आई थिंक बिलीव इन योर सेल्फ अपने इम्पल्स को फॉलो कीजिए जो आपको लगता है आप पे ठीक लगता है वो कीजिए क्योंकि लोग तो बहुत चीज़ें कहेंगे लोग बहुत चीज़ें कहेंगे ये भी ट्राई करो वो भी ट्राई करो लेकिन अंत में आपको कम्फर्ट लगना चाहिए वो करने में मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जो सिर्फ दूसरों के कहनों पर चीज़ें ट्राई करते हैं जो उन पर शायद शूट ना करें मैंने हमेशा वही किया जो मुझे लगता है मुझे सूट करता है बिकॉज आप अपने आप को सबसे बेटर जानते हैं तो आई गेस दैट इज़ ऑलवेज बिन माई मंत्रा इफ यू आर कम्फर्टेबल यू विल कम अक्रॉस दैट वे टू पीपल अगर आप ही थोड़े नर्वस हो या अनकम्फर्टेबल हो तो कहीं ना कहीं वो आपके पर्सनैलिटी में उभर के आ जाता है ओके सर आपके लुक के बारे में बात करें तो शायद कि पानीपत की मूवी के बारे में हाँ मतलब सूट नहीं पहना पानीपत में लेकिन टोपी पानीपत के लिए पहनी है यस जी 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 कैसे प्रिपरेशन चल रही है यार प्रेशर क्या होता है ना जब आप शूटिंग के माहौल में खो जाते हो ना आप प्रेशर का नहीं सोचते आप उस दिन के प्रेशर के बारे में सोचते हो कि आज काम अच्छा करना है सीन अच्छा होना चाहिए शॉट अच्छा होना चाहिए मज़ा बहुत आ रहा है जैसे आपने कहा मेरी पहली पीरियड एक्शन फिल्म है संजू सर के साथ कृति के साथ आशु सर के साथ काम करना और बहुत बड़ी ऑनसेंबल कास्ट है बहुत बड़े सेट्स वॉर सीक्वेंसेस और वो दुनिया में खो जाना तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है बतौर एक्टर वी लिव फॉर दीज मोमेंट्स जहाँ पे हम खो सकते हैं अलग दुनिया में जाके और हाँ लुक छुपाई जा रही है क्योंकि आशु सर मानते हैं कि जब मैं पेशवा के रूप में प्रस्तुत किया जाऊँ आप सबके सामने इट शुड हैव एन इम्पैक्ट और वो फिल्म के दायरे में दिखना चाहिए तब उसका एक कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा कि ये इस तरह क्यों दिख रहा है जैसे कि मेरी मूछें ऊपर है आई एम प्लेइंग अ पेशवा इन द फिल्म जो पूरा लुक है बहुत ही अच्छा काम किया है नीता लुला ने कॉस्ट्यूम्स किए तो आई वॉन्टेड टू कम आउट द वे इट शुड एंड दैट्स व्हाट इवन आशु सर वांट्स बहुत एक्साइटिंग फिल्म है लेकिन वी हैव शॉट अबाउट 60% अभी काम चल रहा है तो आई थिंक अगले दो महीने में फिल्म ख़त्म हो जाएगी और साल के अंत में आप सबको लुक भी देखने मिल जाएगा थैंक यू थैंक यू